भारतीय चित्रकला में चित्र को लाइनिंग से शुरू किया जाता है और लाइनिंग के बाद उसमें कलर भरा जाता है। लाइनिंग से ही चित्र उभर जाता है। लाइनिंग का प्रमुख स्थान है। आइए हम एक लेडी फिगर आपके सामने लाइनिंग से बनाते हैं। पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा बगल में देखता हुआ फेस है ये। आइए इस चित्र को लाइनिंग के द्वारा शुरू करते हैं। एक कागज रख लीजिए। कागज के ऊपर लाइनिंग ब्रश को ठीक करना होता है और वो शार्प हो जाती है। आंखें हैं, ऊपर की पलकों के बाल हैं। ये हीरा है आँख का अंदर वाला। ये तरह से नीचे की पल्प के बाल भी हैं। ये नीचे की पलक की जो मोटाई है उससे उसको दर्शाया जा रहा है। ये झुकी हुई थोड़ी पलकें होती है। ये बाहें धनुषाकार होती है, धनुष के आकार लिए होती है तो बड़ी सुंदर लगती है।
के होठ हैं, मुस्कुराती हुई ये करने के लिए लाइनिंग से ही कंप्लीट हो रहा है। कान है, मोती है कि लाइनिंग है, ये टीका है, मोती है टीके के, ये सबसे छोटी उंगली है, ये नाखून दिखा देते हैं। ये जुल्फे हैं,
कानों पर से बाल हैं, दूसरी तरफ के बाल हैं, जरूरत के हिसाब से कहीं मोटी और कहीं बारीक लाइन हो जाती है तो उसे ये सुंदरता हो जाती है। शीश फूल भी बना सकते हैं, गले में माला, आगे छोटी होती चली जाती है माला, बड़ी सुंदर लगती है। लॉकेट, लॉकेट में भी मोती की माला, मुख्य सबसे पार्ट है कि हमें इसे अगर घूंघट में दिखाना है किस तरह से दिखाएं। ये बाल है, हाथ को हम पूरा कर देते हैं, चूड़ियों का कार्य, कंगन दर्शाने हैं तो ये है कंगन बना सकते हैं।
गीला होने के कारण थोड़ा जल्दी में इधर उधर हो गया है। ये ओढ़नी जो है इधर से इधर आ जाएगी, ये थोड़ा सा फैल गया था। पीले कलर से साफ कर सकते हैं इसको। आँखों में मैंने वाइट लगा दिया है, केवल लाइनिंग से उभार रहा है इस चित्र को, काम इसमें ज़्यादा किया नहीं है। ऑरेंज कलर से इसके मैंने शेड लिए लाइनिंग के पास पास। होंठ पे ऑरेंज कलर से शेड जो है ब्लैक कलर बचाते हुए
ये बाल है, बालों को हल्का फिल किया है, ज़्यादा गहरा कलर नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये लाइनिंग चित्र है। इस तरह से ऑरेंज से व्हाइट जो है केवल लाइनिंग चित्र है ये। चित्र कंप्लीट हो गया है, प्लानिंग चित्र है। धन्यवाद।